किसान साथी नमस्कार, किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत रहेगा। आज 13 जून है और गुरुवार का दिन, तो देखते हैं आज का अपडेट क्या रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल शिमला मिर्च की आवक भी अब जो है वो सोलन मंडी में आनी शुरू हो चुकी है, और देखते हैं आज इन सभी के क्या भाव रहते हैं। चाहे बात करें हम टमाटर की, शिमला मिर्च की, बीन की और लहसुन, तो सारे भाव आपके साथ साझा करेंगे। और बीज का लहसुन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। टमाटर की अगर बात करें तो आज मंडी में जो है वो कई प्लेटफॉर्म पर टमाटर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अनुमान अगर बात करें अनुमान की तो 1000 से 1500 क्रेट तो पूरी मंडी में जो है वो ज़रूर आपके आज की रही है टमाटर की। हालांकि ज़्यादा क्वांटिटी भी हो सकती है क्योंकि अभी भी जो है वो गाड़ी आप देख सकते हैं आ रही है, तो हो सकता है 2000 तक जो है वो आज टमाटर की क्रेट्स जो है वो मंडी में पहुँच जाएँ। पर फिलहाल अभी का अनुमान जो है वो 1000 से 1500 के बीच मंडी में टमाटर पहुंच चुका है। ये आप देख सकते हैं 25 नंबर शॉप, और यहाँ पर भी जो है आज मुझे लगता है 300 प्लस क्रेट पहुंची है। तो किसान आप देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर की ग्रेडिंग करते हुए, क्योंकि थोड़ी देर बाद देखते हैं ऑक्शनें अगर होती हैं तो ऑक्शन भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी ऑक्शनें नहीं चल रही हैं क्योंकि अभी व्यापारी जो है वो नहीं पहुंचे हैं। धीरे धीरे व्यापार बढ़ेगा, व्यापारी आएंगे तो ऑक्शनें भी हमें टमाटर की देखने को मिलेगी। पर फिलहाल आप क्वालिटी यहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी है और क्या कुछ बाज़ार रहेंगे इन चीज़ों के, एक अनुमान ज़रूर लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर शॉप से जो है काकू भाई हमारे साथ हैं। काकू भाई नमस्कार जी। नमस्कार सर। कैसे हैं जी काकू? बढ़िया। काकू भाई टमाटर अब डे बाई डे आपके बढ़ रही है जी, मतलब सीजन शुरू है जी और अब तो बढ़ता ही जाएगा। व्यापारी भी आना शुरू हो गया है जी, अब सबको पता लग गया है। सबको पता लग गया अभी सोलन में माल आना शुरू हो गया है जी, तो इसलिए बाहर से भी अब दिल्ली से हरियाणा से सारे व्यापारी 8-10 दिन में आ जाएंगे और रेट भी लगभग ठीक हो जाएगा। और 8-10 दिन में टमाटर भी मुझे लगता है कम से कम आपका 1000 क्रेट आ जाएगी। 1000 क्रेट तो मुझे लगता है अभी भी मंडी में, क्योंकि 200-300 क्रेट तो आपके पास ही दिख रहे हैं, तो 1000 क्रेट 1500 क्रेट तो 1500 क्रेट आ जाएगी 10-15 दिन में। तो मुझे लगता है कम से कम 5000 प्लस पहुँच जाएगा। 8000 तो नहीं पर हाँ 3-4 हज़ार 3-4 हज़ार तक आ जाएगा। आज किस तरह का बाज़ार है जी? वैसे आज 300 के आसपास का माना, थोड़ा सा उठने के आसार हैं, उठने की क्योंकि माल भी साफ आ रहा ना इस बार जी, गर्मी की वजह से माल भी साफ है इस बार, और व्यापारी भी आ रहा है तो थोड़ा सा बाज़ार। हाँ, आज व्यापारी 2-3 आए हैं जी, और जिसकी वजह से बाज़ार 10-20 तेज़ी आएगी आज। बाकी जैसे बाज़ार हम पिछले साल की बात करें तो बहुत बेहतर नहीं आएगा जी, वो तो एक बहुत ही अच्छा साल था, इतना रेट आना बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि उस टाइम ऑल इंडिया में कहीं भी टमाटर नहीं था, हिमाचल में सिर्फ टमाटर था जी, और उसकी वजह से 1000 से लेके 2000 3000 4000 तक जी पर क्रेट टमाटर बिका। वो इतना रेट तो नहीं आ सकता पर हाँ 1000 रुपये तक ऐसे मानो कि 1000-1200 हमारा बिकता है तो बहुत अच्छा रेट जी। पिछले साल मौसम की भी मार थी तो इस वजह से क्वांटिटी कम थी। हाँ, इस बार मौसम अच्छा है जी, गर्मी है पर जहाँ पानी लगता है कूलावल ज़मीन है वहाँ पर बहुत अच्छा टमाटर, बहुत अच्छा। ये कायलर बेल्ट हुई, ये घट्टी, तो ये बहुत अच्छा टमाटर। कौन सी बेल्ट से टमाटर आना शुरू हो चुका है? ये कायलर, सपड़ून, घट्टी, यही जो हमारी है नज़दीक का एरिया है वहीं से अभी आए। आपको मोबाइल नंबर जरूर शेयर कर दीजिए। 9180-29549 सुरेश ठाकुर एस्टेट शॉप नंबर 25। 9180-29549। तो साथियों ये नंबर है काकू भाई का, 25 नंबर शॉप जिनकी रहती है, जिनके प्लेटफॉर्म पर आप टमाटर ये देख रहे हैं। आरती भाई हैं यहाँ के, अगर आप टमाटर के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो इनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। बाकी ये देखिए आप 23 नंबर शॉप, तो यहाँ पर भी जो है वो टमाटर की आवक आप देख सकते हैं। तो डे बाय डे जो है वो अब टमाटर की आवक बढ़ना शुरू हो चुकी है और देखते हैं आगे बाज़ार किस तरह के रहेंगे इनका। आज बाज़ार की बात करें तो काकू भाई ने जैसे अनुमान दिया है कि शायद आज 100 रुपये तक का उछाल देखने को मिल सकता है टमाटर में, क्योंकि पिछले कल की बात करें तो 200 रुपये तक के बाज़ार देखने को मिले थे टमाटर के, और आज टमाटर भी ज़्यादा है और व्यापारी भी कुछ एक पहुँचे हैं मंडी में, तो उससे जो है बाज़ार में तेज़ी के आसार ज़रूर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जब ऑक्शन होगी, जब टमाटर बिकेगा तो ही पता चलेगा। मक्की भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, मक्की भी आना शुरू हो चुकी है, तो इसके भी भाव आपके साथ साझा करेंगे कि मक्की जो है वो किस भाव पे चल रही है, क्या कुछ बाज़ार इसके रहेंगे। यहाँ पर गोभी भी आप देखिए यहाँ पर लोकल, और फ्रूट्स में आप आम देख सकते हैं, अलग अलग वैरायटी आम की आना शुरू हो चुकी है, और गर्मियाँ हैं तो तरबूज काफ़ी है, खरबूजा काफ़ी है,
इसकी भी क्वांटिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आज की अपडेट देखते हैं कौन भाई हमारे साथ जुड़ते हैं, किनसे हमें अपडेट मिलता है। हालांकि बीन की ऑक्शन अभी नहीं हुई है, तो बीन के बाज़ार हम आपको बाद में बताएंगे क्या कुछ रहेगा। टमाटर का भी अभी भाव नहीं खुला है, क्योंकि टमाटर आया ज़रूर है, लेकिन अनुमान हमने आपको बता दिया आज किस तरह से रहेगा। लेकिन जैसे ही जो भी रेट जो है डिसाइड होगा बाद में, तो हम आपके साथ उस रेट को भी साझा करेंगे। तो नीटू भाई हमारे साथ फ्री हैं, उनसे हम लेते हैं। नीटू भाई स्वागत है जी। नमस्कार भैया। नमस्कार नीटू भाई। बढ़िया भैया, आप सुनाओ। नमस्कार जी। तो नीटू भाई, टमाटर की बात करें तो आज वैसे परचून में क्या बिक रहा है? परचून में रिटेल में बिका सर आज 250 से 300 रुपए के रेट टमाटर पहाड़ी जी। जी, मतलब थोक में भी आज 250-300 का बाजार कम से कम रहेगा जी। रहेगा जी, चलिए अच्छी खबर है। बिल्कुल जी, किसानों के लिए तो अच्छी खबर है। मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा उनको रेट मिल रहा था, चलो थोड़ा बहुत हुआ, पर चलो इतना भी बहुत है जी। हाँ जी। और शिमला मिर्च आज क्या बता रहे हैं? शिमला मिर्च रिटेल करी जी 40-45 रुपए किलो जी। हाँ जी। और थोक में भी लगभग इतना? थोक में भी लगभग ये 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकती है, ज्यादा नहीं जी। हाँ जी। बीन अभी ऑप्शन नहीं हुई है? बीन की अभी ऑप्शन नहीं हुई जी। क्या आसार है आज? बीन आज कम से कम 60 रुपए का बाजार रहना चाहिए जी। हाँ जी। पिछले कल 64। हाँ जी। और इसके अलावा जी गाजर? गाजर भी कीजिए आज 15 रुपए किलो जी। फूल गोभी 20 और 22 रुपए किलो जी। और मक्की भी देखने में आ रही है? मक्की बिक्री है जी 600 रुपए कट्टा, जिसमें 100 मक्की होती है जी। हाँ जी। और ये रामफल बोलते हैं इसको, जो अचार वाला राम किला जी? राम किला। हाँ जी, राम किला भी मंडी में आया नहीं है सर, अभी तो नॉर्मल वाला आम चला हुआ वो बिक रहा है 18 से लेके 25 रुपए तक जी। हाँ जी। बंद गोभी? बंद गोभी 14-15 रुपए किलो जी। फूल गोभी 20 से 22 रुपए किलो जी। ब्रोकली बिकी जी आज 60-70 रुपए किलो जी। हरा धनिया 130 से लेके 150 रुपए जी। लिंगड 35 रुपए किलो जी। मटर बिका जी आज 55-60 रुपए किलो जी, जो हल्की क्वालिटी का था जी थोड़ा। कद्दू 18-20 रुपए किलो जी। बैंगन 30-35 रुपए किलो जी। घिया बिका जी आज 28-30 रुपए किलो जी। खीरा बिका जी 25 से लेके 45 रुपए सीडलेस खीरा जी। और दूसरा हाइब्रिड वाला 22-25 रुपए किलो जी। और मूली बिकी जी आज 25 रुपए किलो जी। घिया बता दिया जी आप? घिया बिका जी 28-30 रुपए किलो जी। और इसके अलावा जी भिंडी बिकी 25-26 रुपए किलो जी आज। हरी मिर्च 50 रुपए किलो जी। करेला बिका जी आज 30 रुपए किलो जी। करेला लोकल आ रहा है या नीचे का देसी करेला आ रहा जी अभी? हाँ जी। नींबू बिका जी 100 रुपए किलो, 100 से लेके 120 रुपए तक जी। अरबी 55 रुपए किलो, 50 रुपए किलो जी। अदरक बिक रहा है जी 200 रुपए किलो आसाम वाला, और लोकल बीज का अदरक है जो 130 रुपए किलो जी। और बीज का लहसुन बिक रहा जी 140 रुपए किलो जी। और 120 रुपए किलो भी है, 2-3 क्वालिटी है लहसुन की जो बढ़िया क्वालिटी का, वो 140 रुपए किलो जी। और हम लहसुन की वैसे लोकल की बात करें, लोकल लहसुन बिका जी आज 90 से लेके 170-175 रुपए किलो जी। पालक 20 रुपए गुच्छी जी। तो नहीं आ रही चुकंदर 20 रुपए किलो जी। पुदीना बिका जी 50 रुपए किलो जी। ड्रम स्टिक 90-100 रुपए जी। और कुंदरू परमल बिके जी 35-40 रुपए किलो जी। हरा टिंडा बिक रहा 45 रुपए, 50 रुपए जी। कटहल 60-65 रुपए किलो जी। काली तोरी बिकी जी आज 30 रुपए किलो जी। जुगनी 20 रुपए किलो जी। और मशरूम बिकी 100 से 130 रुपए किलो जी, बढ़िया क्वालिटी की मशरूम थी। हाँ जी। हरा प्याज बिक रहा जी 20 रुपए गुच्छी जी। और आलू बिका जी आज 25 रुपए किलो लोकल आलू, और 6 रुपए किलो जो था इसका ब्रीक वाला था जी। प्याज 28-30 रुपए किलो जी। ठीक है। फ्रूट्स पे आते हैं जी, अनार बिक रहा जी बढ़िया क्वालिटी का अनार है, 1600-1700 रुपए डब्बा जी। केला 380-400 रुपए ग्रेड जी। सेब बिक रहा है जी 1000 से लेके 1300 रुपए तक जी। लोकल सेब आ रहा है जी? लोकल नहीं, अभी ये स्टोर वाला सेब स्टार्ट है जी। अच्छा। हाँ जी। और इसके अलावा जी कीवी बिक रही है जी 650 रुपए, 700 रुपए ट्रे जी। माल्टा बिक रहा 1600 रुपए जी। और डाब 650 रुपए का पैकेट है जी, 10 पीस का जी। जटा वाला नारियल 28-30 रुपए जी। शरदा बिक रहा है जी 650-650 रुपए डब्बा जी। तरबूज बिका जी 9 से लेके 12 रुपए तक जी। खरबूजा बिक रहा है जी 20 से 25 रुपए जी। अनानास बिक रहा है जी, राजा जो है 60-65 है, रानी जो है 80 से 90 रुपए किलो जी। खुरमानी बिकी जी, जो केसा बढ़िया खुरमानी है, 50 रुपए किलो जी।
पलम, पलम बिका जी 20 से लेके 35 रुपए तक जी आज बिका जी। और हम रेड ब्यूट, और रेड ब्यूट बिकी जी अभी थोड़ी बारीक बने में आई थी, वो बिकी 32 रुपए किलो जी रेड ब्यूट। अच्छा, हाँ जी। और ब्लैक अंबर आ रहा है? ब्लैक अंबर नहीं है चला हुआ जी अभी। और चेरी, चेरी बिक रही है 200 रुपए 250 रुपए डब्बा जी। अंगूर, अंगूर बिक रहा 700 साढ़े 700 जी। पपीता, पपीता बिका जी 30-35 रुपए किलो जी। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी 200-250 रुपए ट्रे जी। आम, आम बिका जी जो बढ़िया क्वालिटी का आम है सफेदा 125 रुपए किलो, और दशहरी जो है बिक रही है 20 से लेके 40-45 रुपए किलो आज जी। चौसा भी आ रहा है? चौसा नहीं आ रहा जी। लीची, लीची बिकी जी 90 से 100 रुपए जी। ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट बिका जी 1100 रुपए का डब्बा जी। जी, लास्ट में मोबाइल नंबर, शॉप नंबर? शॉप नंबर 15 जी, मोबाइल नंबर है 9816202823 जी। चुड़ाई भी आ रही है? चुड़ाई बिक रही है जी 20 से 25 रुपए किलो जी। चलिए, थैंक यू जी। तो साथियों, ये था आज के अपडेट। सोलन मंडी में क्या कुछ भाव चल रहे हैं वो हमने आपको जानकारी दे दी है, और टमाटर का हमने आपको एक अनुमान दे दिया है कि आज बाज़ार जो है वो किस तरह से रह सकते हैं। 250-300 के बाज़ार देखने को मिल सकते हैं, जो कि अभी तक 150-200 के बाज़ार चल रहे थे टमाटर में, तो आज उछाल देखने को मिल सकता है। टमाटर की बात करें तो देखिए आप यहाँ पर 7 नंबर शॉप में भी टमाटर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टमाटर आया है, और यहाँ पर भी जो है वो बाहर से व्यापारी भाई हमारे आने शुरू हो चुके हैं, तो इससे बाज़ार यहाँ पर जो है वो टमाटर का जरूर गर्म होने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी टमाटर पहुँचा है, तो पूरी मंडी में मुझे लगता है 1000-1500 क्रेट जो है वो आज टमाटर का जरूर रहेगा, और भाव क्या रहेगा वो हम बाद में आपको बताएंगे। जैसे ही कोई अपडेट हमारे पास आती है तो हम उसके भाव भी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।